नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, दिस वीडियो इज अबाउट द स्क्विंट, या फिर जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते स्ट्राबिस्मस। व्हाट इज स्क्विंट एंड व्हाट इज स्ट्राबिस्मस? तो बेसिकली स्क्विंट और स्ट्राबिस्मस का जो है, ये दोनों ऑप्थेल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऑप्थेल्मोलॉजिकल मतलब आंख के अंदर पाए जाने वाला जो डिसऑर्डर है, ये वो है, और इसको कहते हैं स्क्विंट या फिर स्ट्राबिस्मस या फिर भेंगापन। तो अपन हमारे समाज में खैर ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा वैसा शब्द है कि मतलब बहुत ही ज्यादा क्या, एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा रफ और रूड है। पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्ट्राबिस्मस और स्क्विंट का मतलब होता है भेंगापन। हम लोग देखते हैं जनरली, अब भेंगापन दो प्रकार का होता है, और हम लोग एज अ कॉमन मैन समाज में हम लोग जनरली एक ही प्रकार का भेंगापन देखते हैं, बट ये दो प्रकार का होता है। तो अब हम चलेंगे दूसरी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि क्या होता है ये, सबसे पहले क्यों होता है, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द स्क्विंट, ये कैसे होता है, कौन सी जगह दिक्कत होती है तब जाके एक बंदे को स्क्विंट होता है, पहली चीज। दूसरा, स्क्विंट कितने टाइप का होता है, फिर अल्टीमेटली इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करके हम वीडियो को खत्म कर देंगे, और कोशिश करेंगे एज शॉर्ट एज पॉसिबल वीडियो को छोटा रखने की, है ना। तो चलिए मैं दूसरी स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है आप मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ये चीज देखिए, ये जो आपको आईबॉल का डायग्राम दिख रहा है, आप मेरे को लग रहा है आप, हाँ आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब ये आईबॉल का डायग्राम है कि मसल मूव्ड बैक, मसल मूव्ड फॉरवर्ड, मतलब ये आईबॉल है हमारी। आईबॉल मतलब आंख की पुतली की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमारी आईबॉल है, आंख की पुतली है, ठीक है। अब ये जो आंख की पुतली होती है, इसको मसल्स कंट्रोल करती है। आप ये देख रहे हो, ऊपर एक मसल है, नीचे एक मसल है, ठीक है। अब ये जो मसल है, नीचे वाली पीछे की तरफ खींचती है, ऊपर वाली आगे की तरफ, या ऊपर वाली आगे की तरफ, नीचे वाली पीछे की तरफ, और इसी तरह से मेरे ख्याल में तकरीबन चार मसल्स होती हैं एक आंख के अंदर। आंख के अंदर चार मसल्स होती है, जैसे आपकी जॉयस्टिक होती है ना, आपने देखा होगा कई बार गेम में हम जॉयस्टिक यूज करते हैं, आजकल जो ड्रोन उड़ाते हैं उसमें जॉयस्टिक होता है। तो जॉयस्टिक को देखा है आपने, जॉयस्टिक को आगे पीछे दाएं बाएं हम कर सकते हैं। इन द सेम मैनर जो आंख होती है, आंख मतलब आई बॉल होती है, वो आई बॉल में चार मसल्स होती हैं। वैसे होती शायद ज्यादा होंगी, पर मैं एज फार एज द ज्योमेट्रिकल जो मेरा ज्ञान है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कितनी होती है। अब कोई कमेंट सेक्शन में कोई ऑप्थेल्मोलॉजी वाला आके मेरा खून मत पीने लगना कि आठ होती है नौ होती है, मुझे उससे लेना देना नहीं। बस मैं मोटी मोटी आपको ज्योमेट्री बता रहा हूँ कि चार होंगी एक मेरे ख्याल में। क्यों? एक दाएं के लिए, एक बाएं में लगेगी, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक ऊपर, एक नीचे। जब मुझे नीचे देखना होगा तो ऊपर वाली मसल होती है रिलैक्स, नीचे वाली होती है कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरी पुतली नीचे की तरफ आ जाती है। जब मेरे को ऊपर देखना है तो नीचे की जो मसल है, जो नीचे की तरफ मसल लगी है, दिख रही है आपको, ये देखिए डायग्राम में देखिए, ये दिख रही है आपको ये मसल। तो जब ऊपर देखना होगा, अब ये यही एग्जांपल बता रहा है यहाँ पे, है ना, लेखक यही एग्जांपल बता रहा है कि जब ये ऊपर देख रहा है, देख रहा है ऊपर, ऊपर जब देख रहा है तो ऊपर की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, पीछे की तरफ आई बॉल को खींचेगी, और नीचे की रिलैक्स होगी, तब ना वो ऊपर देख पाएगा, तो तब आई बॉल ऊपर देखेगी। उसी तरह से जब नीचे देखना होगा तो ऊपर की मसल रिलैक्स होगी, ये ऊपर वाली रिलैक्स होगी, नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो बंदा अल्टीमेटली नीचे देखने लगेगा। ये इतना सिंपल है, ठीक है। और देखो मैंने जो बोला था, सत्यापन हो गया बात का, चार मसल्स होती हैं भाई लोगों, ठीक है ना। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि डॉक्टरी और कुछ नहीं, कॉमन सेंस है, मेरा ऐसा मानना है। तो कॉमन सेंस ही बता रहा है मेरे को कि ज्योमेट्रिकली अगर तुमको एक तंबू तानना है तो तंबू की, क्योंकि चार दीवारें होती हैं, तो चार तुमको रस्सियां लगानी पड़ेंगी तब तुम्हारा तंबू तनेगा, तुमने तीन लगाई तो तंबू गिर जाएगा। तो चार मसल्स होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, और ये काम कैसे करती है, मेरे को अगर दाएं देखना है तो क्या होगा, दाएं अगर देखना है तो दाएं अगर मुझे देखना है तो आप ये देखो, ये दाएं साइड की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और बाएं साइड की रिलैक्स होगी, तो पुतली दाएं तरफ देखने लगेगी। इन द सेम मैनर मेरे को बाएं तरफ देखना है तो बाएं साइड का जो मसल होगा दोनों आंख का, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और दाएं तरफ का मसल को ढीला छोड़ा जाएगा, रिलैक्स छोड़ा जाएगा। और दोस्तों इसी तरह से यही एक मैकेनिज्म होता है, और इसी मैकेनिज्म से हम लोग अपनी पुतली को कंट्रोल करते हैं, और इसी मैकेनिज्म से हम ये दाएं देखा, ये बाएं देखा, ये ऊपर देखा, ये नीचे देखा, ठीक है। अब एक आम इंसान के अंदर, एक आम हेल्दी बंदे के अंदर जो ये अलाइनमेंट होता है, ये अलाइनमेंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है। मतलब कहने का है, और कॉमन सेंस लगाओ ना, कि अगर मेरे को भेंगा, अपन छोटे थे तो अपन भेंगा देखते थे ना, इस तरफ आंख के यहाँ पे देखते थे स्कूल में थे ऐसे करके, और वो एक कहावत भी चली थी तब कि वो ठंडी हवा लग जाती है अगर भेंगा देख रहे हो तो आदमी वैसा का वैसा रह जाता है। ये सही है, ये बात सही है, कैसे मैं बताता हूँ। तो
भेंगा देखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? भेंगा देखने के लिए रिक्वायरमेंट है कि मेरी आंख को बेसिकली चार मसल कंट्रोल कर रही हैं। चार में से कोई एक मसल ने अगर अपना काम करना बंद कर दिया, उसकी टोन चली गई, तो मेरा डेविएशन उस तरफ हो जाएगा, उसके अपोजिट साइड में। इतना सिंपल है, उसके अपोजिट साइड में डेविएट हो जाएगी आंख। तो अगर मान लीजिए मैं एक ही आंख की बात करूं, तो ये मेरी आंख के अलाइनमेंट दोनों नॉर्मल रहते हैं एक हेल्दी बंदे के अंदर। एक हेल्दी बंदे के अंदर ये जो चार मसल्स हैं, चार इस आंख में, चार इस आंख में, कहां पे? राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ये चारों मसल्स के अंदर जब इक्वल टेंशन होगा, बराबर टेंशन होगा, तो मेरी आंख बिल्कुल सीधी देखेगी। ये दोनों मेरी आंख एक ही पॉइंट के ऊपर देखेंगी, और इसको कहते हैं करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ माई आई। जैसे आपकी गाड़ी का टायर का अलाइनमेंट होता है ना, अलाइनमेंट में क्या होता है, यही तो दिक्कत होती है। अलाइनमेंट बोलते हैं ना, बोले भैया अलाइनमेंट आउट हो गया, बोले ठीक है आउट हो गया, कहाँ गया? बोले लेफ्ट साइड जा रही है गाड़ी, बोले लेफ्ट साइड में दब रही है अपने आप, स्टेयरिंग छोड़ो लेफ्ट साइड भाग रही है, क्यों? अलाइनमेंट आउट हो गया। इन द सेम मैनर जो अगर मेरी चार मांसपेशियां हैं, तो मैं ऊपर नीचे की इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर एकदम ऑप्थेल्मोलॉजी का वीडियो बन जाएगा। जनरली हम जो स्ट्राबिस्मस या जो स्क्विंट देखते हैं, वो दो प्रकार का होता है। एक कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब अलाइनमेंट जो था वो अंदर की तरफ आ गया, मतलब ऐसे भेंगा देखते हैं ना, देखते हैं अपन लोग ऐसे भेंगा देखते हैं, कई लोग कर पाते नहीं कर पाते, मैं कर पा रहा हूं। अब क्या हुआ कि दोनों आंखें सीधा देखने की बजाय अंदर की तरफ आ गई, इसको कन्वर्जन बोलते हैं ना। कन्वर्जन बोले तो ये इन स्विंग है, आउट स्विंग नहीं है। आउट स्विंग मतलब वो दूसरा केस हो जाएगा, ये इन स्विंग का केस है। अलाइनमेंट कैसा, सीधा होना चाहिए, पर सीधा ना हो गया, ऐसा हो गया। अब बंदा अंदर की तरफ से ऐसा भेंगा देख रहा है। ये होते हैं भेंगे हमारे समाज में जो हम देखते हैं। मैं यूज नहीं करना चाहता है शब्द, बट मेरे को समझाने के लिए करना पड़ेगा। ये क्लासिकल भेंगे लोग होते हैं हम देखते हैं जिनको। जो दूसरा स्क्विंट का टाइप होगा वो डाइवर्जेंट होगा, वो उल्टा होगा, उसमें बकरे की आंख जैसी दिखती है। ये उसके अंदर जो अलाइनमेंट सीधा होता है ना, कन्वर्जेंट स्ट्राबिस्मस में अलाइनमेंट कैसा हो गया, अंदर की तरफ हो गया, तो आदमी ऐसा भेंगा जैसा देख रहा है। डाइवर्जेंट स्ट्राबिस्मस या डाइवर्जेंट स्क्विंट में ये जो आंख होती है, ये सीधा देखने की बजाय बाहर की तरफ देख रही है, बाहर की तरफ, समझ रहे हो? तो बाहर की तरफ मतलब आउट स्विंग, ये कन्वर्जेंट ये डाइवर्जेंट स्ट्राबिस्मस हो गया, और जो इन स्विंग हो गया ये कन्वर्जेंट स्ट्राबिस्मस हुआ। मैं डायग्राम में बताता हूँ, फिर सीधे सीधे इसका इलाज का बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट में हमारे पास होम्योपैथिकली मेडिसिन अलग है, कन्वर्जेंट स्ट्राबिस्मस की अलग है, डाइवर्जेंट की अलग है। तो इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि चार मसल्स होती हैं जो हमारी आंखों की एक्सिस को कंट्रोल करती हैं, कि दोनों आंखों की एक्सेस बराबर होना, सेम पॉइंट पे देखना, ये एक नॉर्मल हेल्दी आदमी का फीचर होता है। अब स्क्विंट कब होगा, आप सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं कि स्क्विंट होगा कब। स्क्विंट तब होगा या तो फिर इन नर्व, ये जो चार मसल्स है मेरी आंखों की, इन मसल्स को कंट्रोल करने वाली नर्व के अंदर कोई लोचा लचांड हो जाए तो स्ट्राबिस्मस हो जाएगा, या फिर स्वयं ये जो मांसपेशियां हैं मेरी चार, इन चारों मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाली जो चार मसल्स हैं, इनके अंदर कोई पैथोफिजियोलॉजिक चेंज आ जाए तो मेरे को स्क्विंट हो जाएगा। बस इतनी सी पैथोफिजियोलॉजी है स्क्विंट की। अब होता क्या है कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट टेंशन दे रही हैं, तो फर्ज करो, मान लो मेरी अंदर की तरफ मीडियल साइड की जो मसल है इस आंख की, जब ये हल्की सी पैरालाइज हो जाएगी या वीक हो जाएगी, तो क्या होगा, इसके अंदर टेंशन कम हो जाएगा, इसके अंदर टेंशन कम हो जाएगा। जब इसमें टेंशन कम होगा तो ये फ्लैसिड हो जाएगी, और जब ये फ्लैसिड होगी तो मेरी आई साइड सामने की तरफ ना रह के बाहर की तरफ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट स्ट्राबिस्मस। जब यही चीज मेरे लेटरल मसल में होगी, लेटरल मसल किसके अपोजिट इक्वल काम कर रही है, लेटरल मसल में जो टेंशन है वो मीडियल मसल के एकदम इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों क्या एकदम सामने रखी हुई है आपको। जब लेटरल मसल पैरालाइज्ड हो जाएगी तो ये लूज हो जाएगी, पर मीडियल मसल अभी भी टोन में है, तो आंख सामने ना देख के अंदर की तरफ डाइवर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट स्ट्राबिस्मस हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्राबिस्मस होता है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से जल्दी से दिखाता हूँ, फिर वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप देखिए, दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। ये नॉर्मल आई साइट है, दिख रही है ऊपर वाली जो आंखों का दो जोड़ा है, ये आंख है, एक ही व्यक्ति की आंख है।
ये कन्वर्जेंट स्ट्रैबिस्मस है कि ये आंख नॉर्मल है बट ये वाली आंख जो है अंदर की तरफ ये इसका मूवमेंट ज्यादा हो गया, दोनों का एक्सेस, इसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया। अब अलाइनमेंट किस तरफ गया, अलाइनमेंट अंदर की तरफ आउट हुआ है बट इन 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 साइड में आउट हुआ है। और दिस इज व्हाट इज नोन एज द स्ट्रैबिस्मस डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब यहाँ पे जो अलाइनमेंट आउट हुआ है, ये दोनों केस के अंदर ये दोनों आंखें नॉर्मल है, दूसरी पुतली और जो दूसरा आंख है बिल्कुल नॉर्मल है, वहां कोई भी प्रकार का स्क्विंट नहीं है, कोई भी स्ट्रैबिस्मस नहीं है। ये बीच वाला एग्जांपल हो गया कन्वर्जेंट स्ट्रैबिस्मस का। और जो आप जिस व्यक्ति को देख करके भेंगा बोल देते हो कि यार ये भेंगा देखता है, वो व्यक्ति कन्वर्जेंट स्ट्रैबिस्मस का पेशेंट होता है। और जनरली ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों का अलाइनमेंट आउट हो गया है, बाहर की तरफ हो गया है, उसको हम भेंगा नहीं बोलते, बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डाइवर्जेंट स्ट्रैबिस्मस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय गाइस? तो मेरे को लगता है अब आप समझ गए। अब ये जीते जागते इंसान के अंदर आप एग्जांपल देखो, दिस इज व्हाट इज नोन एज द कन्वर्जेंट स्ट्रैबिस्मस। ये कन्वर्जेंट स्क्विंट है, ये जो भेंगा देख रही है महिला, सीधा नहीं देख रही है, भेंगा देख रही है। कहां देख रही है? सीधा ना देख के अंदर की तरफ इसका अलाइनमेंट, दोनों आंखों का अलाइनमेंट अंदर की तरफ आउट हुआ है। दिस इज व्हाट इज नोन एज द कन्वर्जेंट स्ट्रैबिस्मस। अब ये दूसरे में डायग्राम पे आ रहा हूँ, दूसरे उसके ऊपर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताए दे रहा हूँ कि अब ये देखो, इस व्यक्ति को देखो, ये है डाइवर्जेंट स्ट्रैबिस्मस का क्लासिकल एग्जाम्पल। इस व्यक्ति की दोनों आंखें जो है वो दोनों आंखें आउट हुई है, राइट आई अपने लेटरल साइड आउट हुई है और लेफ्ट आई भी अपने लेटरल साइड आउट हुई है। दिस इज व्हाट इज नोन डाइवर्जेंट स्ट्रैबिस्मस। ये है डाइवर्जेंट स्ट्रैबिस्मस। देख रहे हो इसकी, इस महिला की ये आंख नॉर्मल है पर ये वाली आंख इसकी बकरे के आंख जैसी लग रही है, एक बाहर की तरफ जा रही है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द स्क्विंट। और यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली है, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, कि स्क्विंट क्या होता है। आप भेंगा देखने को स्क्विंट बोलते हैं, या तो बाहर की तरफ चली जाएगी या कि अंदर की तरफ, दोनों में भेंगापन आ जाता है। क्यों होता है भाई साहब? जो उसकी नर्व होती है जो इन मसल्स को कंट्रोल कर रही है, तो नर्व में प्रॉब्लम आ जाए या स्वयं नसल मसल में प्रॉब्लम आ जाए, ये इसके कारण होता है। और कितने टाइप का होता है? तो साहब दो प्रकार का होता है, अंदर की तरफ अलाइनमेंट आउट हुआ भेंगा टाइप का देख रहा आदमी, तो फिर वो है कन्वर्जेंट स्ट्रैबिस्मस। और अगर अलाइनमेंट बाहर की तरफ आउट हुआ तो दैट इज व्हाट इज नोन एज डाइवर्जेंट स्ट्रैबिस्मस। तो दिस इज माय गाइस, ये स्ट्रैबिस्मस है। बातें ट्रीटमेंट पे, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, याद रख लेना, ठीक है। अब एक चीज है कि अब यहाँ पे बहुत, ये वाले वीडियो के पार्ट को ढंग से सुन लेना, नहीं तो तुम्हारा पूरा किया धरा इस वीडियो में जितना टाइम तुम लोगों ने बर्बाद करा है ना, वो पूरा कचरा हो जाना अगर इसको नहीं सुनोगे तो। पहली चीज याद रखिए कि वॉर्म्स का एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है, ये होम्योपैथी में से हमको ये नॉलेज पता है कि वॉर्म्स होते हैं जो बच्चों के, क्योंकि सबसे पहले आप ये देखना कि हम जनरली स्ट्रैबिस्मस बचपन से ही देख लेते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि स्ट्रैबिस्मस एक बहुत एडल्ट आदमी के अंदर दिख रहा हो, कि साहब 40 साल का हो गया, 30 साल का हो गया तब भेंगा हुआ, ऐसा नहीं। भेंगा होगा तो बचपन से ही होगा, याद रखना। तो स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट जनरली हमको बचपन से देखने में आता है, बिल्कुल छोटेपन से। और इसी वजह से और कई और फैक्टर्स, कुछ और साक्ष्यों के कारण और सबूत की वजह से होम्योपैथी के अंदर एक कंसेप्ट बड़ा अच्छा है, जो कैंट भी मानते थे, हनीमैन भी मानते थे, कि जिन बच्चों को स्क्विंट का प्रॉब्लम होता है उनके पीछे, उनके स्क्विंट के पीछे वॉर्म्स का मैनिफेस्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक मेडिसिन यहाँ पे होगी, क्योंकि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, एलोपैथी में तो कोई इलाज है नहीं इसका, वो सर्जरी करते हैं, सर्जरी भी कई बार विफल हो जाती है, तो वो छोड़ो। तो पहली जो एक मेडिसिन होगी वो ऐसी मेडिसिन देंगे हम, वॉर्म्स के लिए होगी वो मेडिसिन, और वो दोनों स्क्विंट में कॉमन होगी, चाहे वो कन्वर्जेंट का इलाज कर रहे हैं डाइवर्जेंट का, वो मेडिसिन कॉमन है। बकाया जो एक दूसरी मेडिसिन होगी, वो जो एक दूसरी मेडिसिन है वो कन्वर्जेंट पे अलग रहेगी और डाइवर्जेंट पे अलग रहेगी। तो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द कन्वर्जेंट स्ट्रैबिस्मस, जहां भेंगा देख रहा है, अंदर की तरफ आंखें आ गई हैं, उसकी आंखें अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई है एक्सेस, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द कन्वर्जेंट स्ट्रैबिस्मस। के ऊपर जो दो सबसे मुख्य मेडिसिन है, दे आर ऑब्वियसली, पहली जो वॉर्म्स की मेडिसिन है जो दोनों केस में कॉमन होगी, दैट विल बी द सीना। आपको सीना देनी है 30 पोटेंसी में, चार चार गोली अपने पेशेंट को दिन भर में दो बार। और ये भी याद रखो कि पोटेंशियल जो आपका पेशेंट होने वाला है 90% से ज्यादा केसेस के अंदर स्क्विंट का या स्ट्रैबिस्मस का, वो एक छोटा बच्चा होगा, 5 साल से कम, 6 साल से कम, ये याद रख लेना अच्छे से, ठीक है।
तो पहली मेडिसिन असिना, इससे आपको अपने पेशेंट को 30 पोटेंसी देनी है, चार चार गोली दिन भर में दो बार। द सेकेंड मेडिसिन फॉर द कन्वर्जेंट स्ट्रैविस्मस की केस में, डाइवर्जेंट में मेडिसिन बदल जाएगी, दैट इज द सिकुटा वेरोसा। जी हाँ दोस्तों, दैट इज सिकुटा वेरोसा इन द 30 पोटेंसी। इससे भी आपके अपने इस केस के अंदर कन्वर्जेंट स्ट्रैविस्मस के केस में चार चार गोली दिन भर में दो बार देना है। इनिशियली ट्रीटमेंट 2 महीने के पहले कोई जज मत करना कि मेडिसिन सही है, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। 2 महीने ट्रीटमेंट करोगे, अगर एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट मिलते हैं तो और 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट, टोटल 6 महीने इलाज करो और देख लो कि 70% सही हो रहा है, 60% सही हो रहा है, 80% सही हो रहा है या 100% पेशेंट सही हो रहा है, ये पेशेंट की किस्मत और आपकी किस्मत। एंड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, ये बात करी कन्वर्जेंट की, अब डाइवर्जेंट की बात करते हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द डाइवर्जेंट स्ट्रैविस्मस, जिसके अंदर एक्सिस बाहर की तरफ चली जाती है, तो ऑब्वियस बात है पहली मेडिसिन जो वॉर्म्स को लेके है, दैट इज कॉमन, दैट इज द सिना इन द 30 पोटेंसी। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन द केस ऑफ द डाइवर्जेंट स्ट्रैविस्मस इज नेट्रम्यूर। जी हाँ दोस्तों, नेट्रम्यूर इन द 30 पोटेंसी, आपको अपने पेशेंट को नेट्रम्यूर देनी है और सिना देनी है इन द 30 पोटेंसी में, चार चार गोली दो बार। ऑब्वियस बात है इनिशियली 2 महीने इलाज करेंगे, अगर अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता है तो और 4 महीने ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद पेशेंट 100% सही होता है, 90, 80, 70, 60 व्हाटएवर इट इज, ये आपकी किस्मत और आपके पेशेंट की किस्मत। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो स्ट्रैविस्मस के स्क्विंट के बारे में या भेंगेपन के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले और बहुत सारे वीडियोस के अंदर और इस हफ्ते में होने वाले बचे हुए लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।